खबर है आगरा से, जहां आगरा की जिला जेल में 2,93,000 की लागत से महिला बैरक में रोटी बनाने की मशीन और जेल के ही अंदर बनी गौशाला का उद्घाटन जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार ने किया। तो वहीं जिलाधिकारी आगरा ने गैप्स फंड से गौशाला का निर्माण कराया, जिसकी लागत 15,73,000 है। जेल के अंदर रोटी बनाने की मशीन लगाने से कैदियों को बड़ी राहत मिलेगी। मशीन पर जेल के अंदर महिला कैदियों को लगाया गया। जेल के अंदर लगाई गई मशीन 1 घंटे में 700 रोटी बनाएगी। यही नहीं, जेल के अंदर बनी गौशाला में एकत्रित हुए गोबर से बिक्र बनाकर अन्य जिलों में भेजकर भट्टियों में इस्तेमाल कराया जाएगा। आगरा से मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये गौशाला एक नवीन प्रयोग किया है, क्या रहा है? ये हम लोगों ने पिछले बार जब महीने का विजिट हम लोगों ने जिला जेल का किया था, उस समय हमने देखा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाय और बछड़े हैं और उसको रखने को लेकर के बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि बहुत जगह कम था और जहाँ पे इनको रखा गया था वहाँ पे थोड़ा गंदगी भी फैल रही थी। इसलिए जब मिश्रा जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया था तो हम लोगों ने भी सोचा कि इसमें कुछ बनाना चाहिए। सो उस समय क्रिटिकल गैप का पैसा हम लोगों के पास अवेलेबल था, उसका सदुपयोग हम लोगों ने करके एक अच्छे गौशाला बना हुआ है जिसमें गाय और जो बछड़े हैं उसको रखा जाएगा और वहाँ पे उसके जो भी गोबर निकल रही है उसके माध्यम से जो ब्रिक्स तैयार हो रही है उसका सदुपयोग हम आसपास की जिलों में भी दे करके गौशाला को एक संचालन करने में सुविधा हो जाएगा, उसकी व्यवस्था किया जा रहा है। कुमार साहब आगरा के, स्वर्गीय भोला शंकर जी एवं स्वर्गीय निशा देवी जी की स्मृति में उनके पुत्र द्वारा 2,93,000 की 700 रोटी प्रति घंटे पर लगाने की मशीन महिला बैरक में लगाई गई है, जिसका उद्घाटन माननीय डीएम सर ने किया है तथा माननीय डीएम साहब ने अपने क्रिटिकल गैप फंड से 15,73,000 रुपये की लागत की नई गौशाला का सेट का निर्माण कराया है, जिसमें गौशाला में गौओं को और बछड़ों को बहुत लाभ मिलेगा। सब सर की कृपा है।